تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह वअला आलिही वअस्हाबिही अजमाईन। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह वअला आलिही वअस्हाबिही अजमाईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान के अल्लाह तबारक व ताला ने हमें उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर सुनने का मौका नसीब फरमाया। यह ज़िक्र खैर ऐसा है कि जिस खैर के ज़िक्र को खुदा ने अपने कलाम क़ुरान मजीद में भी इसको नाजिल फरमाया। क़ुरान मजीद की कसीर आयात मुबारक हैं जो इस बात की शाहिद हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसके हबीब का ज़िक्र किया है और बड़े अजमत वाले अंदाज़ से ज़िक्र फरमाया है और हमें बताया है कि नबी की अजमत कैसे होती है, कैसे की जाती है और कैसे अजमत वाले नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे दरमियान भेजा है। आयत मुबारक है, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि तहक़ीक़ के तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल तशरीफ़ लाए जो तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खैर के बहुत ज़्यादा तलबगार हैं, खैर को चाहने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से हमें खैर के दिलाने वाले हम ये समझ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात है कि अल्लाह की बारगाह में आप हमारे लिए खैर के तलबगार होते हैं और उनको अल्लाह तबारक व ताला ने रऊफ़ और रहीम बना करके दुनिया में भेजा है। रऊफ़ और रहीम बना करके दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है, रहम करने वाले, मेहरबानी करने वाले अल्लाह ताला ने उन्हें बना करके भेजा है। अब ये आयत मुबारक हमें बताती है कि हम हमारे आका व मौला रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेहरबान नबी कहते हैं, रहम दिल नबी कहते हैं, रहम करने वाले नबी कहते हैं। तो ये उनकी शान में रहम करने वाले होना, मेहरबानी करने वाले होना, ये हमारा कहना गलत हरगिज़ नहीं होगा क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको रऊफ़ और रहीम से ख़िताब फरमाया। और आप ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला के अस्माए मुबारक जो 99 अस्मा हैं, इस्म की जमा अस्मा है, यानी अल्लाह तबारक व ताला के जो 99 नाम हैं कुरान मजीद के शुरू में आखिर में लिखे जाते हैं ये ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, तो 99 नामों के अंदर जब आप पढ़ करके देखेंगे तो ये रऊफ़ और रहीम नाम भी आपको मिलेंगे। यानी अल्लाह तबारक व ताला के जो सिफ़ाती नाम हैं उन सिफ़ातों में से एक सिफ़त अल्लाह तबारक व ताला की रहम करना, मेहरबानी करना भी है।
इन सिफात को अल्लाह तबारक व तआला ने इन सिफात के साथ अपने नबी को मुत्तसिफ फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का हिस्सा अपने नबी को अता फरमाया। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर हम रऊफ़ और रहीम कहते हैं तो ये हमारा रऊफ़ और रहीम कहना खुदा की ज़ात में उन्हें शरीक ठहराना नहीं होता, बल्कि हमारे आका रऊफ़ और रहीम हैं तो ये खुदा के रऊफ़ और रहीम बनाने से हमारे लिए रऊफ़ और रहीम। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिनों के मददगार होते हैं, मोमिनों के मदद करने वाले होते हैं। मदद किस तरीके से है? ये शफाअत के ज़रिए, दुआ के ज़रिए, मौजज़े के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला उनके तुफ़ैल से हमारी परेशानियों को दूर कर देता है। ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। जिस तरह से रऊफ़ अल्लाह की सिफत है और अल्लाह ने अपने हबीब को रऊफ़ कहा, तो अब रऊफ़ सिफत खुदा की हो करके, रऊफ़ सिफत नबी की होने में, खुदा की ज़ात में शरीक होना, सिफात में शरीक होना लाजिम नहीं आता, क्योंकि हम नबी को खुदा नहीं मानते, हम नबी को खुदा का आला तरीन बंदा मानते हैं, अजीम तरीन बंदा मानते हैं, महबूब तरीन बंदा मानते हैं, प्यारे, ऐसे प्यारे कि उनसे प्यारा कोई बंदा अल्लाह के नज़दीक है ही नहीं। हम ये जानते, हम उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसका बंदा ही जानते हैं। फिर रऊफ़ खुदा ने उनको सिफत बयान फरमाई, मतलब क्या है कि नबी की हर शान खुदा के देने ही से है, अल्लाह ताला ने उनको शान वाला बनाया है तभी वो शान वाले हैं। हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह तबारक व ताला को किसी ने शान वाला बनाया इसलिए वो शान वाला, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला हमेशा से शान वाला ही है। किसी के बनाने से या बनाने का वो मोहताज नहीं है, बल्कि वो खुद ही शान वाला है, उसके नबी को उसने शान वाला बनाया, अजमत वाला बनाया है, मकाम वाला बनाया है, रहम वाला बनाया है, मेहरबानी करने वाला बनाया। अब इसको अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि तुम ही में से तुम्हारे नज़दीक मैंने रसूल को भेजा, यानी अरब के कबीलों में से वो कबीला जो क़रैश का कबीला था उसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा, यानी लोग उन्हें जानते पहचानते हैं, अनजान नहीं है। 40 साल ज़िंदगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उनके सामने गुजरी है, कभी रसूलुल्लाह ने झूठ नहीं कहा, कभी रसूलुल्लाह ने धोखा नहीं किया, कभी रसूलुल्लाह ने किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया, कभी रसूलुल्लाह ने कोई बुराई नहीं की, कभी रसूलुल्लाह ने शराब को तक छुआ तक नहीं, चखा तक नहीं। ये जो मकाम व मर्तबा उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, 40 साल ज़िंदगी का जो अरसा अल्लाह तबारक व ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लोगों के दरमियान रखा, वो लोग उनसे जानकार हो गए, उनके पहचानने वाले हो गए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से रसूल को मैंने भेजा, यानी एक एक नई चीज़ को तुम्हारे सामने नहीं लाया हूँ, मैं तुम्हारे पास उसी को रसूल बना करके भेजा हूँ जिसको मैंने पहले तुम्हें तारुफ का मौका दिया है, जिसको तुम्हें जानने का मौका दिया, जिसको तुम्हें पहचानने का मैंने मौका अता फरमाया है। जब तुमने उसको सब अच्छे तरीके से पहचान लिया, जब सब जानते हैं कि नबी सच्चे हैं, नबी झूठ नहीं बोल सकते हैं, नबी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, नबी ने किसी पर कभी जुल्म नहीं किया, ये तमाम सिफात के जानने के बाद तुम उन्हें अच्छी तरीके से पहचान गए हो, तो अब सुनो वो कौन है जो इतने अजीम सिफात के हामिल हैं। वो अल्लाह के पैगंबर और उसके रसूल हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यानी तुम्हारे लिए, मोमिनों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला की बारगाह से खैर में बहुत ज़्यादा हिर्स करने वाले, यानी और अता फरमा, और अता फरमा, और अता फरमा, और अता फरमा, ये मेहरबानी वाली सिफत होती है, रहमदिली वाली सिफत होती है। अल्लाह तबारक व ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। अब यहाँ पर देखें, तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारे पास, तुम्ही में से मैंने रसूल को भेजा, रसूल के भेजने का जिक्र हो रहा है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र हो रहा है। और आने के लिए पैदा होना हर इंसान के लिए अल्लाह ने ज़रूरी रखा है, पैदा हुए बगैर कोई आ सकता है क्या? पैदा होना अव्वल चीज़ है। यानी हम यही कहते हैं कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भेजा जाना आपके पैदा होने ही से शुरू हो चुका है, आपके पैदा होने ही से शुरू हो चुका है, आपको भेजा गया। और अल्लाह तबारक व ताला हमारे पास जिसको भेजा है उसकी शान बयान फरमा रहा है, उनके भेजे जाने का जिक्र फरमा रहा है, उनके मकाम और मर्तबे का जिक्र बयान फरमा रहा है, उनकी शान का बयान फरमा रहा है। आखिर मीलाद में होता यही है ना, मीलाद कहते किसे हैं?
मीलाद कहते किसे हैं? मीलाद कहते उसी को हैं जिसमें अल्लाह के रसूल का जिक्र बयान किया जाए, अल्लाह के रसूल की शान बयान की जाए, अल्लाह की वहदानियत बयान की जाए, अल्लाह की शान और कुदरत को बयान किया जाए। मीलाद इसी का नाम। मीलाद कोई और गाने बजाने नाचने का नाम थोड़ी है माज़ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मीलाद का असल माना होता है पैदा होना। अब यहाँ पर हम जो है मीलाद से मुराद वो महफिल को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह के पैदा होने का जिक्र किया जाता है, रसूलुल्लाह के ऐलान नबूवत का जिक्र किया जाता है, रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक से, आपके वजूद मुबारक से जो मोजज़े ज़ाहिर हुए उन मोजज़ात का जिक्र किया जाता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआओं का जिक्र किया जाता है, आपके मकाम व मर्तबे का जिक्र किया जाता है, आपके सहाबा इकराम जो आपके साथ जानिसारी करते हैं, जो वफादारी करते हैं, उन जानिसार सहाबा और उन वफादार सहाबा इकराम की वफादारी का जिक्र किया जाता है, जानिसारी का जिक्र किया जाता है, अहले बैत अतहार ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और जो कुर्बान हुए हैं उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया जाता है, उन पर किए जाने वाले मामलात का जिक्र किया जाता है। कुल मिला करके यहाँ पर वही जिक्र होता है जो खुदा का महबूब जिक्र होता है। हदीस मुबारक है कि अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र जहाँ होता है वहाँ रहमत खुदा का नुजूल हो जाता है। अल्लाह के नेक बंदों का जहाँ जिक्र होता है वहाँ खुदा की रहमत का नुजूल होता है। हम 1400 साल बाद के किसी नेक बंदे का जिक्र करते हैं और खुदा की रहमत का नुजूल हो जाता है, तो 1400 साल पहले वाले नेक लोगों का जिक्र किया जाए तो रहमत का नुजूल कैसे नहीं हो सकता? और फिर नेक लोगों के सरदार रहमतुल आलमीन का जिक्र हो तो रहमत का जिक्र कैसे ना हो? ये तो कुल रहमत का जिक्र है। जो लोग इस महफिल से रोकते हैं यानी वो हमें अल्लाह ताला की रहमत से दूर करना चाहते हैं, नुजूल रहमत की जगह में अपने दामन को रहमत से जो अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है उससे मालामाल करने से रोक देते हैं। अब किसका जिक्र किया जाए भाई? किसका जिक्र किया जाए? क्या प्राइम मिनिस्टर के पैदा होने का जिक्र किया जाए? क्या किसी नेता के पैदा होने का जिक्र किया जाए या किसी और का जिक्र किया जाए या अपने बच्चों के पैदा होने का जिक्र किया जाए? करने से फ़र्क क्या पड़ने वाला? आप दुनियादारी जो करना है वो आपकी मर्ज़ी है, उससे कोई हमें ताल्लुक नहीं है। अपने अपने अमल का हर इंसान ज़िम्मेदार है। ये मामला हमारे और आपके वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जिसका दुनिया के कोने कोने में कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह ने ज़िंदा रखा। और ये कलमा पढ़ने वाले ना हो तो फिर खुदा का कहर नाजिल हो जाए, खुदा का अजाब नाजिल हो जाए, दुनिया तहस नहस हो जाए, कुछ बाकी ना बचे, क़यामत कायम हो जाए। खुदा के रसूल का रसालत का इकरार करने वाले लोग हैं तभी तो ये मामलात हैं। नबी की बात जब आ जाती है तो तन्हा किसी एक फ़र्द की नहीं बल्कि पूरी उम्मत की बात आ जाती है। हर उम्मत के हर फर्द के लिए उनको रहमत अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने रहमत ऐसे रहमत बनाया है कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान हरी सुना ले बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, अल्लाह ने फरमाया मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बख्शिश के तलबगार हैं, रहमत के तलबगार हैं, खैर के तलबगार, हर खूबी के अल्लाह ताला की बारगाह में वो अपनी उम्मत के लिए तलब करने वाले हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा रहमदिल अल्लाह ने उन्हें बनाया है, बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी करने वाला अल्लाह ने उन्हें बनाया। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें ये बता रहा है कि नबी की शान क्या है और नबी की दुआएँ भी होती हैं और नबी का फैज़ान भी होता है, शफात भी होती है और खुदा का इनाम भी होता है। और शफात करने वाले नबी की शान, शान करीमाना, शान रहीमाना, शान रऊफाना को अल्लाह तबारक व ताला ने जिक्र फरमाया। अब यहाँ पर हमें इस चीज़ से पता चला कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जितना भी हम उनका जिक्र करें, जितना भी उनका हम चर्चा करें, वो हमारे लिए कम ही होगा। इसलिए कि अल्लाह ने जिस अंदाज से बयान फरमाया है हम उस अंदाज का हक कभी अदा ही नहीं कर सकते। वो खालिक है जो अपने महबूब का बयान फरमा रहा है, हम तो एक आजिज बंदे हैं, हम अपनी ताकत भर उसी के बयान को दोहरा देते हैं, उससे बढ़कर के हम कुछ नहीं कर सकते। हम खुदा के फरमान को, कुरान को पढ़ के सुना देते हैं लोगों। नबी की शान सुनना चाहते हो, सुनो कुरान में खुदा कैसे शान बयान फरमा रहा है। नबी की शान सुनना चाहते हो तो सुनो नबी खुद अपनी जबान से कैसे अपनी शान को बयान फरमा चुके हैं। ये हम उतना ही बयान करते, उतना कुछ नहीं। अब देखें, हम नबी की शान तो नबी की शान ही है, नबी के बाप दादा की शान भी अहादीस मुबारका में जिक्र में आई, और नबी के आलो औलाद का जिक्र है, नबी के आलो असहाब का जिक्र है। कुल औलिया सालहीन की जब शान है तो जिनके सदक़े में सबको शान व इज़्ज़त मिली, उस नबी की शान बयान करना बिदअत व हराम कैसे हो सकता है? बिदअत व हराम वो चीज़ है जिसे करने पर इंसान को गुनाह मिले। यहाँ पर तो नबी का जिक्र ऐसा है, नबी की शान ऐसी है
मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बखील है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ही ना भेजे, तो वह बहुत बड़ा बखील इंसान है, बहुत बड़ा कंजूस इंसान। यानी नबी का जिक्र और उसके साथ दरूद, यह हमारे लिए रहमत का सबब होता है। और हम इससे दूर हो जाएं, नबी का जिक्र सुन के भी गाफिल हो जाएं और नबी के जिक्र से हम अपने आप को गाफिल कर लें, तो फिर हमारे वजूद का क्या फ़ायदा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते हैं कि तुम एक मरतबा अगर मुझ पर दरूद पढ़ लोगे, एक मरतबा दरूद पढ़ोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर 10 मरतबा रहमतों को नाजिल फरमाएगा, 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, 10 दर्जात को बुलंद फरमा देगा। न जाने कितने हज़ारों दर्जात हैं खुदा के क़ुर्ब में हम में, हम तो दुनिया में रचे बसे हुए हैं, रहमत से हमारा बहुत दूर का वास्ता है, बस इस पर हमें नाज है कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती बनाएगा। और आपकी मोहब्बत को अल्लाह ने हमारे दिल में दिया, इस पर हमें नाज है, हम उनके लिए अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। इंसान है, कमज़ोर है, अमल के मैदान में बहुत दूर है, मगर छोटा सा अमल अल्लाह ताला हमारे लिए कबूल फरमा लेता है, रहमत और बरकत का नुज़ूल फरमा देता है। एक मरतबा नबी का जिक्र सुनो, दरूद पढ़ लो, तो रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। और रहमतों का नुज़ूल कैसे हो रहा है? एक रहमत ने, दो रहमत ने, 10 रहमतों का नुज़ूल। सिर्फ रहमत नाजिल हो गए काफ़ी था, मगर अल्लाह ताला 10 गुनाहों को माफ़ फरमा दे रहा है, 10 दर्जात को बुलंद फरमा दे रहा है। ये नेमत, कितनी नेमतें मिल रही है। एक मरतबा पढ़ो तो 30% हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? एक का बदला हमें 30 गुना हमें मिल रहा है। 10 रहमतें नाजिल हो रही हैं, 10 गुनाह माफ़ हो रहे हैं, 10 दर्जात बुलंद हो रहे हैं, ये नेमतें हमें मिल रही हैं। आखिर किसके जिक्र से मिल रही है? रसूलुल्लाह के जिक्र ही से तो मिल रही है, और उसी जिक्र का नाम तो मीलाद की महफिल कहा जाता है। और आज हमें उस जिक्र से रोक दिया जाए तो अले खुदा के रसूल तो हमें हर लम्हा जिक्र की तलकीन कर रहे हैं। जिक्र करते जाओ रहमतों को पाते जाओ, जिक्र करते जाओ बरकतों को पाते जाओ, जिक्र करते जाओ बख्शिशों को पाते जाओ, जिक्र करते जाओ रिफतों को पाते जाओ। ये तो रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया। हम सोचते बोलते नहीं भाई, ऐसे तरीके से ही चाहिए हमें। पहले भी शादियां होती थी कि नहीं होती थी शादियां? इधर से उधर लोग जाते थे तो या तो इस गांव से उस गांव जाते थे तो या तो पैदल जाते थे, या घोड़ों पर बैठ के जाते थे, या ऊँटों पर बैठ कर के जाते थे, यही होता था ना। प्लेन में बैठ के जाते थे, ट्रेन में बैठ के जाते थे, बस में बैठ के जाते थे, नहीं जाते थे। निकाह करना सुन्नत है, सुन्नत पर सवाब है, सवाब कमाने के लिए, सुन्नत को अदा करने के लिए ही लोग पहले सफ़र करते थे। तो कैसे सफ़र करते थे? या तो पैदल जाते थे, या तो घोड़े पर, ऊँट पर, गधे पर, जो सवारी उस वक्त पर मिल जाती उस पर जाते थे। मगर उस वक्त पर ना बस थी, ना ट्रेन, ना प्लेन, ना कार, ना मोटरसाइकिल। आज बस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? प्लेन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सब जा रहे हैं। बोले नहीं, ये तो ऐसे कुछ नहीं भाई, ये तो असल मकसूद तो उस ज़माने में भी रहा ना, यानी निकाह करना उस ज़माने में भी रहा और इस ज़माने में भी असल मकसूद तो निकाह है, निकाह के लिए हम जा रहे हैं। तो भाई हम भी तो वही कहते हैं, असल मकसूद जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिक्र मुस्तफ़ा तो सदियों से होता रहा है। हज़रत आदम अला नबीना वाले सलाम के पैदाइश से लेकर के जब अबुल बशर सैदुना आदम अला नबीना अलैहि सलाम ने देखा तो अर्श पर क्या लिखा देखा? लिखा यही लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब निकाहों को खोल करके उन्होंने अर्श को देखा तो अर्श पर यही लिखा पाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी को याद करके तो उन्होंने रब ताला की बारगाह में अपनी दुआ की कि परवरदिगार, मैं तेरे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कैफ अरफ्ता या आदम, है आदम तुमने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? हजरत आदम अर्ज करते हैं, रब्बे जुल जलाल, मैंने जब आंखों को खोल करके देखा तो मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देख लिया, और मैं समझ गया कि अल्लाह के नजदीक ये सबसे अजीम तरीन हस्ती हैं कि जिनके जिक्र को खुदा ने अपने जिक्र से मिला करके रखा। तो मैंने उसी जिक्र को, उसी याद के सहारे में तेरी बारगाह में दुआ फरमा, दुआ गो हूँ, रब ताला ने दुआ को कबूल फरमा लिया। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अला नबीना वाले सलातु सलाम की दुआ को फरमा लिया। पता क्या चलता है? हज़रत आदम अलैहि सलाम के पैदा होने से पहले जिनका जिक्र किया जाता रहा, जिनके अजमत के डंकों को बचाया बजाया गया, और जिनके शान के नक्श को
हमेशा के लिए महफूज कर लिया गया, वो हस्ती कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो अजीम हस्ती हैं तो उनका जिक्र किया जा रहा है, तो आज बोलते भाई नहीं जिक्र नहीं भाई, आज तुम कर रहे हो ये सब हराम है, ऐसे कहाँ होता था? हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में ऐसे कहाँ हुआ, हजरत उमर फारूक के ज़माने में ऐसे कहाँ हुआ, ऐसे कहाँ हुआ, ऐसे कहाँ हुआ, ऐसे कहाँ हुआ, लंबी लिस्ट लेकर के एक भोले वाले आदमी को आके बोलते हैं भाई हम भी तो ये कहते हैं कि उस ज़माने में भी निकाह होता था, ऐसे कहाँ होता था निकाह, ऐसे होता था निकाह, जरी के कपड़े पहन करके जा रहे हैं और ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहन रहे, हज़ारों रुपये के कपड़े पहन रहे, हज़ारों रुपये सफ़र में खर्च हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस ज़माने में भी निकाह होता, ऐसा होता था? अरे नहीं नहीं भाई, ये सब चीज़ें ये हमारे लिए मुबाह चीज़ें हैं, हमारे पास हैसियत है, हम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। यही तो बात है भाई, तुम अपने बेटे की शादी के लिए खर्च जितना भी करो, जिस रास्ते से जाना चाहो, जिस सफारी से सफ़र करना चाहो, आपके लिए उसमें गुनाह नज़र नहीं आता है? बोलते नहीं भाई, असल मकसूद तो हमारा निकाह है ना, निकाह करना हमारा असल मकसद है, तो हम सुन्नत अदा करने के लिए हम कर रहे हैं। तो भाई हम भी तो वही कहते हैं, असल मकसूद हमारा जिक्र मुस्तफ़ा करना है, और जिक्र मुस्तफ़ा ऐसा है कि जब तक के दम में दम है उन्हीं का जिक्र सुनाते जाएंगे। ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए हमें किसी और वक्त के बहाने के ये ख़ास तरीके की हाजत नहीं है। उस ज़माने में मस्जिद नबवी का भी अंदाज़ अलग था, छत नहीं थी मस्जिद नबवी को, आज हमारे पास अल्लाह ने छत अता फरमाया, हम मस्जिद में बैठते हैं पंखा लगा करके बैठते हैं, पंखा भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अब मस्जिद में पंखा लगाते, जो लोग मिलादुन्नबी के महफिल सजाने को नाजायज़ और हराम बिदअत बताते हैं वो लोग भी मस्जिद में, उनकी मस्जिदों में भी पंखे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना, पंखे होते हैं कि नहीं होते? देखें ना आप लोग भी, देखें पंखे होते हैं। पंखा जब लिया जाता है, पंखा लगाने के लिए लोगों से और पानी लोगों से जब वो चंदा लिया जाता है, चंदा लेते हैं कि कोई अपने जेब के खर्च से ला करके लगाता है? चंदा लिया जाता है ना, चंदा जब लिया जाता है तो क्या लिया जाता है भाई? आप मस्जिद में इसाले सवाब के लिए या मस्जिद में सवाब के लिए अल्लाह के घर के लिए आप पैसे दो भाई, हम अल्लाह के घर में फ़ैन लगा रहे हैं। तो पंखा लगाना क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था? नहीं था। आप लोगों से पैसे ले रहे हैं तो क्या बोल के ले रहे हैं? भाई एक पंखा लगाओ तो तुमको सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा मस्जिद में पंखा लगाने पर, तो सवाब मिलेगा। आप मस्जिद के अंदर पंखा लगाने रहे हैं तो सवाब मिल रहा है, तो मस्जिद जिसके वजूद से आबाद है, मस्जिद जिस नबी के कलमे से कलमा पढ़ने वालों के वजूद से आबाद है, वो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनका वजूद सारी कायनात के पैदा करने के लिए असले सबब है, उस नबी के जिक्र के लिए तुम्हें तरीके खास की हाजत हो जाती है, वहां सवाब नहीं होता। समझ में नहीं आने वाली बात है कि पंखा लगाने पर सवाब मिल सकता है और नबी के जिक्र करने पर सवाब नहीं मिल सकता है। खुदा की कसम ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे पंखा लगाने पर सवाब मिले ना मिले वो अलग बात है, वो यकीन ही नहीं कहा जा सकता। हाँ, नबी के जिक्र पर सवाब मिलेगा, यकीनन सवाब मिलेगा, नबी के बयान शान पर यकीनन सवाब मिलने वाला है और नबी की अजमत के बयान पर यकीनन सवाब मिलने वाला है। इसलिए इसलिए कि नबी के जिक्र को खुदा ने अपना जिक्र बना दिया है, और जो नबी का जिक्र करेगा गोया के वो खुदा का जिक्र करेगा, और जो खुदा का जिक्र करेगा वो जरूर बख्शा जाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुरान मजीद में इरशाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए हबीब, हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। कुरान मजीद की आयत मुबारका में है कि वरफअना लका जिक्रक, ए हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। अब जब जिक्र को बुलंद हो गया है तो वह जिक्र कैसे है, कैसे बुलंद किया गया है, वो कैसे उनके जिक्र को बुलंद किया गया है? अब इसके मुतालिक से जब इस आयत मुबारका की तफसीर पर अजीम मुफसरीन इकराम की तरफ हम रुजू करते हैं, भाई ये आयत मुबारका का मतलब क्या है, उसका मकाम क्या है, और हमारे लिए क्या है, कैसे हम उसको समझें, तो समझ में हमें ये आता है हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रफ़ा अल्लाह ज़िक्रहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरा,
अल्लाह ताला ने नबी के ज़िक्र को दुनिया में भी बुलंद फरमा दिया और आखिरत में भी बुलंद फरमा दिया। हम नबी के ज़िक्र को कितना बुलंद कर सकते हैं, हमारी कोई औकात है? हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसके के नकल कर लें, खुदा के फरमान को पढ़ के सुना दें, नबी के फरमान को पढ़ के सुना दें, या खुदा व रसूल की अता से फ़ज़ल से जो औलिया साहिब दिल जिनके दिल को नूर से रोशन कर दिया गया, उन अजीम हस्तियों के मुँह ज़बान हाय मुबारका से जो कलिमात मुबारका नबी की शान में बयान हुए उसको बयान कर दें बस। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि हम कुछ बयान करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे बयान फरमाया, वरफअना लका ज़िक्र, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद फरमाया। जब खुदा ने उसके हबीब के ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया तो हम में से कोई बुलंद कर सकता है? कर ही नहीं सकता है, सिर्फ उस बुलंद किए हुए ज़िक्र का बयान कर सकता है, इकरार कर सकता है और उस पर अपने दिल में इत्मीनान रख करके उस पर ईमान रखने वाला होता है। और हम बढ़ा नहीं सकते इसलिए कि कोई बढ़ा ही नहीं सकता खुदा के बढ़ाने से, और खुदा ने जिनको बढ़ा दिया उसे कोई घटा नहीं सकता है। अब खुदा ने नबी के जिक्र को बुलंद कर दिया है तो कयामत तक के कोई उस जिक्र को झुका नहीं सकता है, दबा नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है, इसलिए कि खुदा ने उनके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। कैसे बुलंद फरमा, हजरत कतादा फरमाते हैं, जाल तो रफा अल्लाह ज़िक्रहु फि दुनिया वल आखिरा फलैसा खतीबुन, फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को दुनिया और आखिरत में ऐसे बयान बड़ा फरमा दिया, बुलंद फरमा दिया कि न कोई खतीब होगा न कोई गवाही देने वाले होगा, दुनिया में ऐसा कोई खतीब और गवाही देने वाला होगा ही नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किए बग़ैर वो गवाही दे दे और खुतबा उनके जिक्र के बग़ैर वो कर दे। खुतबे में और शहादत में जहाँ जिक्र करना है वो क्या है, हर खतीब को, हर खुतबा देने वाले को, हर गवाही देने वाले को ये पढ़ना ही होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब भी खुदा का जिक्र होगा उसी के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र किया जाएगा। खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा के जिक्र को किया जाना ये दुनिया में भी तय हो चुका, कोई खतीब कोई खुतबा पढ़ने वाला, हत्ता कि वो लोग जो हमें मना करते हैं मिलाद करने से वो भी खुतबा इसके बगैर पढ़ नहीं सकते। हकीकत तो ये है कि उनके जिक्र को खुदा ने ऐसे बुलंद कर दिया कि कोई कम कर ही नहीं सकता है। तुम जबान से हजार बोलो मगर तुम्हारा खुतबा खुतबा नहीं होगा जब तक कि तुम खुदा का जिक्र उसके हबीब का जिक्र ना कर लो। और खुदा का जिक्र कैसे, अब यहां पर देखें हजरत अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद अल खुदरी, इमाम अबू आला ने इस हदीस मुबारक को रिवायत फरमाया है, इमाम इब्न हिबान ने रिवायत फरमाया और उसे हदीस सही कहा है, और इसी तरीके से जामिया सगीर के इमाम सियोती ने जामिया सगीर ने भी रिवायत फरमाया, इमाम हैसमी ने इसके इसनाद को जो है हसन इसनाद से ताबीर फरमाया, यानी ये दर्जे के ये ऐसे वैसे छोटे मोटे दर्जे की हदीस नहीं है, आला तरीन दर्जे का मकाम रखने वाली हदीस है, छोटी मोटी हदीस नहीं। लोग समझते हैं कि भाई हदीस तो कोई छोटी मोटी हो ही नहीं सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर लोग समझते हैं जो दर्जात में तफावत होता है इस दर्जात से हदीस में वो फ़र्क करके ये समझने लगते हैं कि भाई ये कम ये ज़्यादा, ऐसा नहीं है। हदीस हमेशा फजल वाली ही होती है, अजमत वाली होती है, रसूलुल्लाह की ज़बान से निकलने वाला हर हर कलिमा करामत वाला है, अजमत वाला है, मकाम और मरतबे वाला है, हर एक बुलंद और बाला मकाम रखने वाला कलिमा मुबारका है। लोग समझते हैं उनकी अकल के अतबार से समझ भाई ये तो ज़ईफ़ हदीसें बयान कर दी, यहाँ ज़ईफ़ हदीसों से बयान नहीं किया जा रहा है, बहुत आला दर्जे की हदीसों से यहाँ पर बयान किया जा रहा। वह हदीस क्या है, हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اتاني جبرائيل عليه السلام وقال ان ربي وربك يقول, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरी बारगाह में हजरत जिब्राइल अमीन सिदरा की मकीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, यानी हजरत मलाइका के जो सरदार हैं वो हजरत जिब्राइल अमीन है, तमाम फरिश्तों के जो सरदार फरिश्ते हैं वो हजरत जिब्राइल अमीन हैं, वो तशरीफ लाए, वो जब तशरीफ ला चुके सरकार की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रब और आपका रब फरमाता है, इन रब्बी व रब्बक, यानी बेशक मेरा और आपका रब इरशाद फरमाता है, तदरी कई फरफा तो देखा, यानी ए मेरे हबीब क्या आपको अंदाजा है कि मैंने आपके जिक्र को कैसे बुलंद फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जवाब मिलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवाब दिया जाता है कि
قال اذا ذكرت ذكرت معي فرماتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت اللہ ورسوله اعلم قال اذا ذكرت ذكرت معي یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب بہتر جانتا ہے اور رب کا پیغام مجھ تک پہنچانے والے وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ رب نے میرے ذکر کے بلند کیے جانے کا بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جواب پر پھر اللہ کا جواب سنایا جاتا، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے نبی کے ذکر کو کیسے بلند کیا گیا ہے، اس بلند کیے جانے والے مقام کا ذکر کیسے کیا جاتا، فرماتے جعلتو اذا ذکرتو ذکرت معی، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا جب بھی ذکر کیا جائے گا آپ کا ذکر ضرور کیا جائے گا، یعنی میرے ذکر سے آپ کا ذکر جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے ہے یہ ذکر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جب ذکر بلند فرما دیا اور قیامت تک کہ ان کا ذکر ہوتا ہی رہنا ہے اور قیامت کے بعد بھی آخرت میں بھی ان کا ذکر ہوتے ہی رہنا ہے، تو کوئی قوم کوئی فرد کوئی جماعت اس کے ذکر ربی کے ذکر کو روک سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے اس ذکر کے روکنے کی کوششیں اس وقت پر بھی کی گئیں جب میدان میں صرف 313 رہ گئے، اس وقت پر بھی کوششیں کی گئیں جو کثیر تعداد میں شہید ہو گئے تھے، اس وقت پر بھی کوششیں کی گئیں جب صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو لوگ نماز ادا کرنے والے تھے، اس وقت سے لے کر کہ آج تک کوششیں کی جا رہی ہیں، نہ اس وقت پر روکا جا سکا، نہ آج روکا جا سکے گا، نہ کل قیامت تک کے روکا جا سکے گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو خدا نے بلند فرمایا، خدا جسے بلند فرما دے اس کو کوئی پست نہیں کر سکتا ہے، نیچا کر نہیں سکتا ہے۔ ہم تو وہ بلند بالا ذکر والے نبی کی بلند بالا شان جو کتاب و سنت میں ہے اسی کو ہم بیان فرمانے والے، اور جو ان کی ذات سے متعلق ان کی سیرت طیبہ کو جو مستند بزرگوں نے بیان فرمایا ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ نبی کی شان جو خدا نے بیان فرمائی اس سے بڑھ کر کے ہم تھوڑی بیان کرنے والے ہیں معاذ اللہ، نبی کی شان کو جو خدا کے رسول نے خود اپنی زبانی بیان فرمائی ہم اس سے تھوڑی بڑھانے والے ہیں، ہم تو وہی سنانے والے ہیں جو جس شان کا بیان خدا و رسول کے کلام سے ہم نے جانا ہے، اس سے زیادہ تو ہمارا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر اس طرح کے ذکر کو بھی اگر کوئی روک دے تو پھر کس کا ذکر کیا جانا چاہیے؟ اسکولوں میں جا کر کے دیکھیں کتنے ذکر ہو رہے ہیں، اسکولوں میں جا کر کے دیکھیں کون سی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ سب کرتے چلے جا رہے ہیں، وہاں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ہم اپنے نبی کے ذکر کو ہماری قوم کو سنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر حلال و حرام یاد آ جاتا ہے، وہاں پر جائز و ناجائز ہونا یاد آ جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا ہو رہے ہیں۔ گزشتہ زمانے میں لوگ کتابوں کو پڑھ کر کے جانا کرتے تھے، آج کتابوں کے پڑھنے کا دور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کو اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اوپر کوئی کتاب مل جائے، سینکڑوں گھروں میں ایک دو گھر میں کتاب مل جائے مشکل سے مل سکتی ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، میرے نبی کی سیرت کیسے تھی، میرے نبی کی زندگی کیسے تھی، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ فرماتے تھے، کیسے رحم دلی سے آپ پیش آیا کرتے تھے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیسے سیکھنا ہے، کون سی چیزیں سنتیں ہیں، رسول اللہ کی شان کیا ہے جو خدا نے بیان فرمایا۔ ارے حال آج ہمارے گھروں کا ایسا ہو گیا معاذ اللہ کہ ہمارے گھروں میں قرآن شریف پہنچ جاتا ہے نکاح کے دن یا گھر بدلتے وقت، مگر قرآن شریف کھلنا بڑی مشکل سے ہمارے سامنے ہوتا ہے، روز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، رمضان میں ایک قرآن شریف ختم کر لینا بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہم سمجھ رہے ہیں، روز قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے، تو ہم کہاں سیرت کی کتابیں حدیث کی کتابیں پڑھ کر کے رسول اللہ کی تمام سیرت اور ان کے اخلاق اور ان کی زندگی کے وہ عظیم سنہرے پل کہ جس کو سیکھ کر کے ہم نجات پائیں، جس کو جان کر کے ہم نجات پا سکیں، ان کو ہم کیسے حاصل کر سکیں؟ یہی وہ مواقع ہیں، یہی وہ مرحلے ہیں، یہی وہ مجلسیں ہیں کہ جس میں لوگوں کو جاننے کا موقع ملتا ہے، رسول اللہ کی عظمت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، رسول اللہ کی شان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، رسول اللہ کے سیرت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اگر معاذ اللہ اس طرح کی مجلس سے روک دے تو پھر کل کے دن کیا ہوگا؟ کوئی ہمیں حلال و حرام کی تمیز، ہم اپنے بچوں کو ہزار بتائیں مگر وہ حرام کے پیچھے بھاگنے والے ہو جائیں،
शराब पीने वाले हो जाएंगे, जिना करने वाले हो जाएंगे और न जाने क्या क्या करने वाले हो जाएंगे, कल सिवाय कफी अफसोस मलने के हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। अगर कल हम अपने औलाद की बदअखलाकी से, उनके बदअखलाकी को, बदचलने को देखना गवारा नहीं करना चाहते हैं, तो आज उन्हें रसूलुल्लाह का दीवाना बना देना, आज रसूलुल्लाह की मोहब्बत को उनके दिलों में बसा देना है, आज रसूलुल्लाह की शान और उनकी अकीदत को बसा देना है, और खुदा की अजमत और खुदा की वहदानियत को उनके दिल में बसा देना है, तभी जाकर के हमारे बच्चों के दिल में हलाल और हराम का फर्क पैदा हो सकेगा, हलाल से मोहब्बत और हराम से नफरत हो सकेगी। और वरना अगर हम इसको न कर पाए तो कुछ बाकी नहीं बचेगा। आज दुनिया में देख रहे हैं किस तरीके की आवारगी होती चली जा रही है, खुदा के कहर का डर नहीं है, खुदा के गजब का डर नहीं है, जहन्नम में जलने का डर नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत का हमें आसरा नहीं है। हमें क्या है, हमारे पास कुछ नहीं, हम सब कुछ खुद को समझने बैठे माज़ अल्लाह। यह हाल लोगों का बन गया है। यह हाल से हमें अगर अपने बेहतर हाल की तरफ अगर जाना है तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहवाल को सुनना जरूरी है, उनके जिंदगी के महासिन को और उनकी जिंदगी के तरीकों को, सलीकों को सुनना सुनाना जरूरी है, सीखना सिखाना जरूरी है, तभी जाकर के हम कामयाब हो सकते हैं। इसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहमियत वाली है, तभी तो कुरान में इसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे हबीब की जिंदगी में हमने तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना जिंदगी रखा। जो उसको पालेगा वो कामयाब हो जाएगा। अब बच्चों को पता कैसे चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसे गुजरी? बच्चे सुनेंगे तभी तो जानेंगे ना। और बच्चों तो बच्चे हैं, बच्चों के माँ बाप को कैसे पता है, कुछ पता है? आज हमारे हालत ऐसी है कि सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके पेट भरने से हमें फुर्सत नहीं है। अपना पेट भरो, अपने बीवी बच्चों का पेट भरो, अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते जाओ, शाम तक पेट भरने से हमें फुर्सत नहीं है। अब उस पर हम समझ लेंगे क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे? अरे ये कम ही है महफिलें, कम ही है मजलिसें। उस ज़माने में साल भर का इंतज़ार नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जाता था। वहाँ जहाँ कहीं भी महफिल चार लोग मुसलमान जमा हो जाते, वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा ही हुआ करता था। बल्कि तन्हा अकेला भी कोई बैठ जाता तो सल्ले आला मुहम्मदिन, सल्ले आला मुहम्मदिन के तराने ही चले जारी हो जाया करते थे। यानी तन्हा हो तब भी जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, जमा हो करके हो तब भी जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, घर में है तब भी जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, कोई मरहला उससे खाली नहीं है। और मिलाद मुस्तफ़ा का मतलब यही है, मजलिस का नाम जो मिलाद मजलिस मिलाद मुस्तफ़ा कहा जाता है, तो उस मजलिस में हम उर्फन मिलाद मुस्तफ़ा की मजलिस कहते हैं। हकीकत में वहां पर जिक्र मुस्तफ़ा ही होता है, और वो जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा से लेकर के उनकी जिंदगी दुनिया में गुजारे जाने के वक्त से लेकर के खुदा की रहमत में दुनिया से पर्दा फरमा करके जाने तक के बयान होता ही रहता है। हर हर लम्हे का बयान, हर हर खतीब अपने अपने हिस्से का बयान करता चला जाता है। मगर 23 साल जिंदगी रुश्द हिदायत की, वो 23 साल जिंदगी को हम 3-4 घंटों में नहीं समेट सकते हैं, 3-4 दिनों में नहीं बयान कर सकते हैं। हजारों सफहात पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, हजारों सफहात पर हजारों कलिमात मुबारक, लाखों कलिमात मुबारक हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान व अजमत के बयान में महफूज हैं, उनका बयान मुमकिन नहीं है। हाँ, जितना हो जाए उतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात, गनीमत है, इसको गनीमत जानना चाहिए, इससे रोकना नहीं चाहिए। रोकते रोकते हाल क्या हो गया, अपने ही घरों में दूसरे घरों की बच्चियां आ गई, और अपने ही घरों से हमारी बच्चियां दूसरे घरों में भागती चली जा रही, पता ही नहीं है क्या हाल है हमारे पास, हमारी ज़िंदगी गुजारने का कैसा सलीका है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत को जानेंगे, अहले बैत अतहार की सीरत को जानेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज मुतहरात की सीरत को जानेंगे, आपके पाक बीबियां जो मोमिनीन की माएँ हैं उनकी सीरत को जानेंगे, सरकार के खुलफाए राशिदीन सहाबा व अहले बैत की सीरत को जानेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। और जब ये जिक्र किया जाता है तो यहाँ पर भाई ये महफिल मिलाद हराम है, महफिल मिलाद हराम है, महफिल मिलाद हराम है। भाई तुम दुनिया भर की महफिलें करते हो, वहाँ हलाल हराम होना याद नहीं आता? हम जहाँ नबी का जिक्र करना चाहते हैं वहाँ हलाल और हराम होना याद आ जाता है, और पूछते हैं भाई यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, क्या उस वक्त पर ऐसा हुआ, क्या इस वक्त पर ऐसे हुआ? हम ही उस ज़माने में नहीं थे तो फिर वो उस ज़माने की क्या मिसाल लेकर के आएंगे? हम क्या नबी के ज़माने में थे? उस ज़माने में 1400 साल पहले हमारा वो जो था कुछ हमारे जिस्म थे। अरे हम खुद ही बिदअत हैं, यानी हम ही नहीं पैदा चीज़ हैं, उस ज़माने की हमारे वजूद नहीं है, हम ही बाद के ज़माने में पैदा होने वाले हैं।
तो जब हम बाद के ज़माने में पैदा हुए हैं तो हमारा जिक्र करना भी बाद के ज़माने का ही जिक्र करना हुआ ना, तो इससे उसकी मुताबिकत क्या है, असल देखा जाएगा, जिक्र क्या हो रहा है, मामला क्या किया जा रहा है। असल तो यही है कि जिक्र मुस्तफ़ा किया जा रहा है, मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा किए जाने से पहले भी जिक्र मुस्तफ़ा होता रहा है, पैदा किए जाने के बाद भी होता रहा है, दुनिया में रहने तक के होता रहा, दुनिया से जाने के बाद भी हो रहा है, क़यामत तक के होता रहेगा, क़यामत में भी होता रहेगा। इसलिए कि जब भी खुदा का जिक्र होगा नबी का जिक्र होगा ही, और ये लोग नबी के जिक्र से रोक रहे हैं तो दर पर्दा क्या हो रहा है, खुदा के जिक्र से रोकने वाले हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए कि खुदा का जिक्र जब भी होगा नबी का जिक्र होगा, नबी का जिक्र खुदा का जिक्र है, तब ये नबी के जिक्र से रोक रहे हैं, मतलब क्या है कि भाई ये लोग हमें खुदा के जिक्र से भी रोकने वाले, नाम क्या लेते भाई, हलाल हराम, खुदा का जिक्र, खुदा का जिक्र। अरे खुदा ने जिसका जिक्र किया उसके जिक्र से रोक देते हो और कहते हो कि भाई हम हलाल हराम की तमीज़, हलाल और हराम तुमको पता कैसे चला, पता कैसे चला, क्या तुम्हारे बाप ने बताया था कि हलाल है या हराम है? नहीं, हलाल और हराम होना तो ये नबी के बयान करने से हो सकता है, नबी के बताने से हो सकता है। खुदा की कसम नबी ने ये नहीं कहा कि मस्जिद में बैठ करके मेरा जिक्र करना हराम है, मस्जिद में इनसे मस्जिद से निकल के मेरा जिक्र हराम है, रास्तों में चलते हुए मेरा जिक्र हराम है, माइक में मेरा जिक्र हराम है, कुछ नहीं फरमाया। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह क्या फरमाता है कि लोगों में तुम्हारे दरमियान इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा, मैं तुम्हारे दरमियान बशारत सुनाने वाला, अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला, गवाही देने वाला नबी तुम्हारे पास भेजा हूँ, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु, अल्लाह ने फरमाया ताकि तुम खुदा और रसूल पर ईमान लाने वाले हो जाओ और उसके रसूल की तज़ीम बजा लाने वाले हो जाओ, तौक़ीर बजा लाने वाले हो जाओ। कुरान का फरमान है कि तुम क़यामत तक के मेरे नबी की तासीम और तौकीर जिस जिस तरीके से तुम्हारी ताकत है, जैसे जैसे तुम्हारी हैसियत है, बयान करते ही रहो ये ईमान वालों के शान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाया। रहमत कैसे बनाया है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतलिल आलमीन, अल्लाह ने फरमाया। अब यहाँ पर हज़रत अबू बकर बिन ताहिर रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ज़य्यन अल्लाह ताला मुहम्मदन बिज़ीनति रहमा फ़काना कौनुहु रहमतन व जमीउ शमाइलिही व सिफ़ाति रहमतन अलल ख़ल्क़ी फ़मन असाबहु शैउन मिन रहमतिही फ़हुवा नाजी फ़िद्दारैन मिन कुल्ली मकरूहिन। अल्लाह अल्लाह क्या बड़ा इरशाद फरमाए, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी अजमत वाली बात है। अब यहाँ पर फरमाते हैं वलवासिलु फीमा इला कुल्ली महबूबिन अला तरा अन्न अल्लाह ताला यकूलु वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन फकानत हयातुहु रहमतन व ममातुहु रहमतन। फरमाते हैं कमा काला अलैहि सलाम हयाती खैरुन लकुम व मौती खैरुन लकुम व फी रिवायतन ममाती खैरुन लकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बयान है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान से इस्तेनाद करते हुए अजीम बुज़ुर्गों ने अजीम बोलियों को बयान फरमा दिया, जहाँ तक हमारे आम जहन पहुँच नहीं सकते वहाँ पर उन्होंने बयान फरमा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हुए अरसलना का इल्ला रहमतलिल आलमीन की तफसीर में बयान फरमाते फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमत से मुज़य्यन फरमा दिया। अब उनका वजूद कुल का कुल रहमत हो गया, अब उनका वजूद कुल का कुल रहमत हो गया, और अब उस रहमत का हिस्सा कैसे हो रहा है, दूसरों को भी कैसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है कि व जमीअ शमाइलिही व सिफ़ातिही, और उनके तमाम औसाफ हमीदा और उनके तमाम जो सिफ़ात मुबारक हैं, जो शमाइल मुबारक हैं, वो सब के सब क्या हैं, लोगों पर रहमत बना दिया। और जो उनकी रहमत के हिस्से से कोई पा ले, अब यहाँ पर क्या, उनके तरीक़े से कोई अपना तरीक़ा बना ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से कोई अपना हिस्सा पा ले,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलीके ज़िंदगी से कोई अपनी ज़िंदगी को संवार ले तो वो क्या होगा, फमन असाबहु शैउम मिन रहमती फहुवा नाजी फिद्दारैन मिन कुल्ली मकर। फरमाते हैं जो रसूल अल्लाह के तरीके से खुद को मुज़य्यन कर लेता है, उनके अखलाक को किरदार से अपने आप को संवार लेता है, गोया के वो दुनिया व आखिरत में हर परेशानी से अपने आप को बचाने वाला हो जाता है। रहमत अलल खल्क कैसे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका, तो आप कुल के कुल, आपका कुल वजूद रहमत अल्लाह ने बना दिया, और आपके अखलाक, आपके किरदार, आपकी आदात, आपके तरीक़े लोगों के लिए रहमत बना दिए गए, और उन तरीक़ों से जिसने अपने आप को मुज़य्यन कर लिया, रसूलुल्लाह की सुन्नतों से जिसने अपने आप को संवार लिया, वो दुनिया व आखिरत में हर परेशानी से अपने आप को बचा लिया। और फिर फरमाते हैं कि और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़ा यहाँ पर उस हदीस से जिक्र में ज़िमनन जिक्र में बात बयान हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप लोग पैदा होने का जिक्र मनाते हो, खुशी मनाते हो, जिक्र करते हो, उसी दिन यानी 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाए, हम परेशान हैं कि भाई हम हैरान हैं कि हम खुशी मनाएं कि रोएं, हम तो बहुत बड़ी परेशानी का शिकार होते हैं। अरे यज़ीद लईन भी तो ऐसा ही परेशान था, और इसी तरीके से इबलीस लईन भी तो ऐसा ही परेशान था। परेशान होना तो वो खुदा के नाफरमानों के लिए है, परेशानी किसके लिए है, रसूलुल्लाह के जानिसारों के लिए परेशानी नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत रखने वालों के लिए परेशानी नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनका बज़ाहिर ज़िंदगी के साथ दुनिया में होना भी रहमत है और दुनिया से चले जाना भी रहमत ही है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरमाते मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतर खैर है और मेरा दुनिया से उठा लिया जाना तुम्हारे लिए खैर का सबब है। मैं तुम्हारे दरमियान रहूं तब भी तुम्हारे लिए खैर है, मैं तुम्हारे दरमियान से उठा लिया जाऊं तब भी तुम्हारे लिए खैर है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक और दूसरी हदीस है फरमाते हैं, इमाम मुस्लिम ने उसको जिक्र फरमाया है, और इसी तरीके से जो पहली हदीस है इमाम बज़ार ने उसको जिक्र फरमाया है, और इमाम हैसमी ने उसके रिजाल को रिजाल सही फरमाया है, और इमाम सयूती ने उसको जो है सही हदीस गर्दाना है, यानी हयात खैरुल लकुम व मौत खैरुल लकुम जो फरमाया, मेरा तुम्हारे दरमियान होना भी तुम्हारे लिए खैर का सबब है और तुम्हारे दरमियान से उठा लिया जाना भी तुम्हारे लिए खैर का सबब है। ये तो मुसनद बज़ार से हदीस मुबारक है। हो सकता है कि भाई बज़ार का नाम सुन करके लोग बोले नहीं 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 हमें नहीं सही सहायता से चाहिए, बुखारी से चाहिए, मुस्लिम से चाहिए, और जगह से हमें हदीस नहीं चलती। अफसोस की बात है कि बुखारी और मुस्लिम से हदीस लेना किस हदीस से साबित है? बुखारी शरीफ किताब से हदीस लो, बुखारी मुस्लिम शरीफ किताब से हदीस लो, ये किस हदीस से साबित है, ये कौन सी आयत से साबित है? हमारा दावा है उनके लिए कि कयामत तक के हमें लाके बता दो, कयामत तक के लिए मौका, तुम्हारे आने वाली सारी पुश्तें हमें बता दो कि बुखारी शरीफ से हदीस लेकर के समझो, मुस्लिम शरीफ से हदीस लेकर के समझो, ये किसी हदीस से हमें बता दो। जब अपनी बात आती है तो बोले नहीं 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 मतलब ऐसा नहीं है भाई, उसमें सही बातें हैं, सही हदीसें हैं, इसलिए हम उससे हम तलब करते हैं। तो उसमें सही होने का यह मतलब नहीं कि दूसरी हदीस के किताबों में सब झूठ और गलत माज़ल्ला रख दिया गया, ऐसा नहीं। पहले खुद को समझना चाहिए, वो दावा दे पेश कर दें, हमारा भी दावा है उनके लिए कि भाई पेश कर दो, आप कयामत तक नहीं पेश कर सकते, एक हदीस तो पेश कर दो, एक हदीस तो पेश कर दो कि जिसमें बता दिया जाए कि बुखारी शरीफ से हदीस लो, इसलिए कि इमाम बुखारी 200 साल बाद पैदा होने वाले हैं। इमाम बुखारी का ज़माना 200 साल के बाद का ज़माना है, और बुखारी शरीफ किताब ही रसूलुल्लाह के ज़माने में लिखी जाने वाली किताब नहीं है, 200 साल बाद वजूद में आने वाली किताब है। 200 साल बाद वाली किताब से तुम दलील ले रहे हो तो वहाँ पर बिदअत याद नहीं आ रही है। हम तो 200 साल बाद की क्या बात करते, हम तो रसूलुल्लाह के आने से, दुनिया में आने से पहले भी जिक्र मिलाद बयान करते और अंबियाए कराम की सुनते ज़बानी सुनते, और किताबें भरी पड़ी हुई हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हर पैगंबर पर नाजिल किए जाने वाली किताब में किया गया है। यही बताया गया कि उस वक्त पर क्या था, मेरे नबी पैदा होने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं बयान किया जाता रहा, और जब नबी को पैदा कर दिया गया अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूला, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाता है मोमिनों पर अल्लाह ने तहकीक की मेहरबानी फरमाई, इनाम फरमाया कि उनके दरमियान अपने रसूल को भेज दिया, और मोमिनों के दरमियान तुम ही लोगों में, तुम्हारे पास मोमिनों पर मेहरबानी करने वाले खैर के तलबगार नबी को मैंने भेज दिया है, रऊफ बना करके भेजा है, रहीम बना करके भेजा है। यह अल्लाह ने शान बयान फरमाया, और उसको हम कहते हैं कि हमारे नबी आ चुके, उनके आने से पहले आने वाले हैं यह जिक्र होता था, नबी के आने के बाद आ चुके हैं यह जिक्र होता, बस इतना ही फर्क है।
हो तो जिक्र यही हो रहा, असल जिक्र तो जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा। पैदा होने वाले हैं ये भी जिक्र मुस्तफ़ा है, पैदा हो चुके हैं ये भी जिक्र मुस्तफ़ा है, और नबी को खुदा ने रहमत बनाया ये भी जिक्र मुस्तफ़ा है, खुदा कुरान का बयान है। हम अगर मिलाद के महीने में अगर रहमतुल आलमीन का जिक्र करें, हम नबी को खुदा की रहमत बनाएं, खुदा की रहमत बताएं, सुनाएं, समझाएं लोगों को कैसे कैसे रहमत है, तो वो बिदअत शिर्क हो जाता है। तो भाई आप मुसल्ले पर खड़े होकर के कुरान शरीफ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हुफाज अपने आप को बता दे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो क्या कुरान शरीफ से इस आयत को पढ़ना छोड़ देते हैं? नहीं हो सकता है। हम बयान करते हैं तो क्या अपने घर की कोई बात करते हैं? वो तो खुदा की बात हम सुनाने वाले हैं, रसूल की बात हम सुनाने वाले हैं, अपने मन की बात थोड़ी बताने वाले हैं। यहाँ मन की बात नहीं चलती है, यहाँ पर दिल की बात नहीं चलती है, यहाँ पर तो कुरान की बात चलती है, यहाँ पर तो हदीस रसूल की बात चलती है। जिक्र मुस्तफ़ा कुरान सुन्नत के दायरे में किया जाता है और नहीं है। हाँ, जो तरीका आज हमारे ज़माने में हो रहा है, ये ज़माने के बदलने से, जैसे उस ज़माने में निकाह घोड़े पर, ऊँट पर, गधे पर बैठ के जाया करते थे, आज गधे पर बिठाओ दूल्हे को, गधे पर बिठाओ दूल्हे को, लोग क्या करेंगे? अरे पागल हो गया, जूतियाँ फेंकेंगे, बच्चे पत्थर मार के ताले बजाएंगे, आवाज़ें कसेंगे कि भाई अरे ये देखो दीवाना निकल रहा है, दूल्हा नहीं बोलेंगे, पागल बोलेंगे। आज के ज़माने में जिस तरीके से सफ़र हो रहा है, उसी तरीके से सफ़र किया जाता है। उस ज़माने में जैसे सफ़र होता था वैसे ही होता है। आज के ज़माने में हम जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल कैसे सजाई जाती है, एहतमाम कैसे होता है, आज के ज़माने में वह एहतमाम बदला है, महफिल का तरीका बदला है, मगर जिक्र नहीं बदला है। उस वक्त भी जिक्र मुस्तफ़ा है, आज भी जिक्र मुस्तफ़ा है, कल भी जिक्र मुस्तफ़ा होगा, क़यामत में भी जिक्र मुस्तफ़ा होगा। और जिक्र कौन फरमाएगा? रब तआला फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता वजफा तुजफा फरमाएगा, ऐ मेरे मोहम्मद सर उठाओ, मांगो अता किया जाएगा, शफात करो शफात को कबूल कर लिया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र असल है। चाहे हम लाइट लगा करके जिक्र करें, माइक लगा करके जिक्र करें, चलते फिरते गली कुचों में उनके शान को सुनाते चलें, उनके नात के नगमे सुनाते चलें, अल्लाह की किबरियाई बयान करते चलें, रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देते चलें। मैं आपको बताऊँ एक हदीस, याद रखें, जंगलों में पहाड़ों में भी अगर कहीं चले जाएँ तो वहाँ पर अल्लाह का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। जहाँ जिक्र किया जाएगा उन पहाड़ों में उन पत्थरों ने जो भी जिक्र सुना होगा कल क़यामत में गवाही देंगे, ए अल्लाह इस तेरे बंदे ने वहाँ पर तेरी किबरियाई बयान की थी, ए अल्लाह इस बंदे ने वहाँ पर तेरे हबीब का जिक्र किया था, कलमा पढ़ा था, शहादत दी थी। अरे जंगलों में बियाबानों में जाकर के खुदा का जिक्र सुनाने का हमें हुक्म आ रहा है और उस जिक्र की शहादत हमें क़यामत में मिलने वाली है, और हम अपने घरों में खुदा का जिक्र ना करें, हम अपने रसूल का जिक्र ना करें, हम अपने मोहल्लों में खुदा व रसूल का जिक्र ना करें, हम अपने गलियों में खुदा व रसूल का जिक्र ना करें। अरे याद करें वो वक्त जब रसूलुल्लाह मक्का से मदीना तशरीफ ला रहे थे, मदीने की हर गली को सजाया गया था, मदीने की गलियों में रसूलुल्लाह के नाम के नारे लगाए गए थे और रसूलुल्लाह की आमद पर खुशी और मसरत का इजहार किया गया था। वो तो हमेशा वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए। और रहमत का जिक्र तो हर ज़माने में ही होता रहा है, खुदा के रसूल के वजूद का जिक्र, रहमत का, उनका वजूद जो रहमत खुदा ने बनाया है, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद रहमत का हिस्सा उन सब को अता हुआ है और अल्लाह ताला ने हमें भी अता फरमाया। तरीक़ा बदल गया, उस ज़माने में दूर से आने वाले के लिए खजूर के दरख्त पर चढ़ चढ़ के देखा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, 70 सहाबा सरकार के साथ हैं, सामने झंडा लेकर के जा रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अजीम फातह की हैसियत से, शान वाले अजीम सरदार की हैसियत से, नबी रहमत की हैसियत से वहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। अब बोलेंगे भाई हर रोज़ ऐसा नहीं होता था, हर वक्त नहीं होता था, उस वक्त पर हो गया हो गया, अगर हर रोज़ हर वक्त पर कर देते तो फ़र्ज़ हो जाता, फ़र्ज हो जाता। वितर की नमाज को कभी नहीं छोड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम, नहीं छोड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही वजह है ना कि हमेशा आपने कभी नहीं छोड़ा, उसके करने की ताकीद फरमा दी। आज हमारे पास, हम वितर की नमाज को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं।
नफिल नमाज कभी पढ़ते थे कभी छोड़ देते थे, तो अब आज हमारे लिए क्या है, नफिल नमाजों का पढ़ने पर सवाब है, छोड़ देने पर गुनाह नहीं है। हमको गुनाह से बचाया गया है, पता नहीं हमको कब कैसी ज़रूरत पेश आ जाए, कोई वक्त हमारे ऐसे आ जाए अगर हम नहीं करें तो फिर हम हमेशा गुनाहगार होते रहेंगे। हमें गुनाहों से बचाया गया है, हमारे लिए आज़ादी दी गई है और इश्क वालों के लिए रास्तों को कुशादा रख दिया गया है। शान जिस ज़माने में जैसे बयान होती है वैसे बयान करो, शान बयान करो। जो तरीक़ा अपनाओ अपना सकते हो यही तरीके से करोगे तभी होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यही तरीके से करेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। क्या बिरयानी पका रहे हैं, क्या ऐसा करेंगे तो बिरयानी, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं है भाई। हलाल चीज़ों, बिरयानी पकाओ, पलव पकाओ, खुरमा पकाओ, कुछ भी करो, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। यही है कि तुम मस्जिद में करो, घर में करो, महफिल बनाओ, रोड पर करो, सड़क पर करो, जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ वहाँ करो। जिक्र खुदा व रसूल का सुनाने वाले हो, जिक्र खुदा व रसूल का करने वाले हो जाओ, शान खुदा व रसूल के बयान करने वाले हो जाओ। ये असल चीज़, जो तरीके से भी आप जिक्र करेंगे आपके लिए मना नहीं है, बस ये है कि जिक्र किसका है, जिक्र रसूलुल्लाह का हो रहा है और वो जिक्र कैसा है, जिसको खुदा ने बुलंद बाला फरमाया। अब देखें दूसरी शरीफ है, दूसरी हदीस शरीफ है मुस्लिम शरीफ की, इज़ा अरादल्लाहु रहमतन बि उम्मतिन क़ब्ज़ा नबिय्यहा क़ब्लहा फ़जअलहु लहा फ़र्दन व सल्फ़न। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान व अज़मत का बयान यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी उम्मत के साथ भलाई का, रहमत का इरादा फरमा लेता है तो उस उम्मत की तरफ भेजे जाने वाले नबी को उस उम्मत के लोगों के हलाक होने से पहले ही अपने पास बुला लेता है। वरना तो हाल क्या होगा भाई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ हाल क्या हुआ, पूरे के पूरे डूब गए, चंद गिने चुने बच गए जो उनकी कश्ती में सवार हो गए, वरना तो सब तो ख़त्म हो गए ना। 900 बरस से ज़्यादा उम्र अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई, वो खुदा की शान है, कोई उसके लिए तकलीफ़ की बात नहीं है किसी की उम्र को बढ़ा देना, किसी उम्र को घटा देना, कोई तकलीफ़ की बात नहीं। ये तो हमारे लिए रहमत का सबब है कि अल्लाह ने हमारे लोगों की उम्मत के हलाक होने से पहले, उम्मत के ख़त्म होने से पहले उम्मत के नबी को अल्लाह ने बुला लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी हमारे लिए रहमत है और उनका जल्दी अपने रहमत की बारगाह में बुला लेना भी रहमत ही है। दुनिया से पर्दा कर लेना भी रहमत है, दुनिया में तशरीफ़ लाना भी रहमत है। रसूलुल्लाह का हर हाल रहमत से खाली नहीं, हर हालत रहमत से खाली नहीं। तो हम रहमत का जिक्र करने वाले, ज़हमत का हमें जिक्र नहीं आता, हम तो रसूलुल्लाह के बेदाम ग़ुलाम, हम तो उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश के हमें वो वक्त मिल जाता जब उहद के मैदान में सहाबा सरों का नजराना दे रहे थे, उस वक्त पर हम भी सरों का नजराना देने वाले, काश के हमें बद्र के मैदान में वो वक्त मिल जाता कि हम भी सरों का नजराना पेश कर देते, काश के हमें वो वक्त मिल जाता जब उहद के मैदान में जान निसारान मुस्तफ़ा अपने कलेजों को चिरवा रहे थे, हम भी एक अपना कलेजा चिरवा के अपनी मोहब्बत का इशार और क़ुरबानी का जज्बा पेश कर देते, काश के वो वक्त हमें मिल जाता। वो हमारी किस्मत नहीं थी, वो किस्मत के धनी लोगों को वो किस्मत मिली है। तो क्या आज हम अपने रसूल के जिक्र से अपने सीने को मुनव्वर न कर सकें, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से अपने सीने को ठंडक न पा सकें? क्या फ़ायदा हमारी ज़िंदगी का अगर हम जिक्र मुस्तफ़ा न करें? फ़ायदा तो यही तब है कि जब तक कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे तभी हमारे लिए फ़ायदा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र मतलब यह है कि भाई हम एक मरतबा जिक्र करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 10 मरतबा रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम। हम जब कहते हैं ऐ अल्लाह तू दरूद नाजिल फरमा अपने महबूब पर, उनकी आल व असहाब पर, जब हम कहते हैं जिक्र किसका हो रहा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र एक मरतबा हो गया तो 10 मरतबा रहमतें नाजिल हो गईं, 10 गुनाहों को माफ़ फरमा दिया गया, 10 दर्जात को बुलंद कर दिया गया। तो जिक्र मुस्तफ़ा हमारे लिए रहमत का सबब है कि नहीं है, फ़ायदे का सबब है कि नहीं है? दुनिया के किसी तिजारत में इतना नफ़ा नहीं मिलेगा जितना नफ़ा मुस्तफ़ा प्यारे के जिक्र से खुदा हमें अता फरमाने वाला है। और उन अल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत का बयान, ये खुदा का तरीक़ा है, खुदा के महबूब बंदे अम्बिया का तरीक़ा है, मलाइका का तरीक़ा है, और हम गुनहगार गुलामान मुस्तफ़ा का तरीक़ा। अल्लाह के प्यारे तो ज़िक्र करते ही हैं, वो और प्यारे हो जाते हैं, हम गुनहगार जिक्र करते हैं तो बख्शे जाने वाले हो जाते हैं, रहमत का हिस्सा मिलने वाले हो जाते, हमारे दामन हम फैला के रब ताला की बारगाह में कड़े, मौला हमें रहमत अता फरमा, तो हमें इश्क और विजदान से क्या जवाब मिलता है, मेरे हबीब का जिक्र करते चलो, रहमतों का समंदर तुम्हारे तरफ फेर दिया जाएगा, जितना जिक्र करोगे उतना तुम्हें रहमत का हिस्सा मिलता चला जाएगा। यही तो वह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हमारे लिए रहमत का सबब है, बख्शिश का सबब है, हम जितना करेंगे उतना मिलेगा। ये वो लोग हैं जो हमें उनके जिक्र से रोकना चाहते हैं, हमें उनके जिक्र से फिरना चाहते हैं, दुनिया में टीवी में मोबाइल में हमें घिरा देना चाहते हैं, हमें उसकी हाजत नहीं, हमारा सब कुछ तो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमें मोहम्मद अरबी का जिक्र सुनने को ना मिले तो ना हमें दुनिया काम की, ना दुनिया वाले हमारे काम के, ना सोना चांदी हमारे काम के, हमें तो काम वाले कौन है, वो जो मुस्तफ़ा का जिक्र सुनाने वाले, वो जो मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने वाले, वो जो रहमतों के हिस्से पाने वाले हैं, वो जो खुदा की बारगाह में बख्शिश के मुजदे सुनाए जाने वाले हैं, कौन हैं वो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, जो उनकी मोहब्बत करेगा वो दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जो कहा गया सुना गया, कहने में सुनने में जो गलती हुई अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए, और हमने जो हक बयान करने का अदा किया मौला, अपने तौर पर हमने कोशिश की कि हक अदा हो मौला, इसमें जो कमी हुई इसे माफ़ फरमा, बोलने में पढ़ने में समझने में समझाने में जो कलिमात मुबारक की तिलावत में अहादीस मुबारक की तिलावत में ताबीरात में जो भी गलती हुई अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए, जो सही व दुरुस्त फरमाया गया बयान किया गया मौला उसे हमारे सीनों में महफूज फरमाए। परवरदिगार हम गुनाहगार हैं मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हम खताकार हैं हमारे खताओं को माफ़ फरमा, परवरदिगार हमारे घरों में रहमत व सुकून का नुज़ूल फरमा, परवरदिगार हमें कर्ज से नजात अता फरमा, जो भी औलाद है उन्हें साहिब औलाद फरमा, जिनके औलाद है उन्हें इस साल बाखलाक बाकिरदार तेरे नबी का वफादार फरमा, हमें दुनिया व आखिरत की नेमतों अता फरमा, क़यामत तक के हमें और हमारी आने वाली नस्लों को ईमान व अकीदे की सलामती अता फरमा, फातिमा बिल खैर अता फरमा, तेरे हबीब के तेरे महबूब गौसे आज़म के सच्ची गुलामी नसीब फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन, बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।